हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 10th क्वेश्चन पेपर सेट 2 का 10th क्लास का सीबीएसई का, जिसका कोड है 3122 एंड सीरीज है QQCR R2। तो इसको आप चेक कीजिए कि आपके आंसर्स आपने कैसे किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए का। ये क्या है, फूड चेन बनी हुई है पिकॉक की। आपको एनर्जी बोलिए 2 जूल है, तो ग्रास की निकालनी थी। तो अगर लास्ट ट्रॉफिक लेवल की 2 है तो आप 10 10 मल्टीप्लाई करिएगा, तो ग्रास की आ जाएगी 20,000 जूल। तो ग्रास की कितनी आ जाएगी, देखिए ये 2 है तो 20 एंड नेक्स्ट की 200, उससे प्रीवियस की 2000, इसकी 20,000, तो 20,000 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, गार्बेज क्या है उसकी क्लासेस। तो गार्बेज क्या होता है, जो भी वेस्ट ऑफ यूज थिंग होता है उसको हम गार्बेज कहते हैं। और क्लासिफिकेशन करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स स्पेसिफिक क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटीन सब्सटेंसेस है तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा यानी उसके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नेट में से है, तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस के लिए पोल्स पूछा है। तो देखिए पी और क्यू में आपको क्या दिख रहा है, पी से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और आर में वापिस आ रही है। एरो देखो, ये निकल रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे वापस आ रही है। तो आपको रूल पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती कहाँ से, नॉर्थ से, और जाती कहाँ पे, साउथ पे। तो पी आपका नॉर्थ पोल होगा और क्यू आपका साउथ पोल होगा, आउटसाइड मैग्नेट। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख तो इनसाइड रहा होगा, बट ये इनसाइड मैग्नेट नहीं है, ये आपको दिख रहा है ये एक अलग मैग्नेट है और ये एक अलग मैग्नेट है, यानी कि यहाँ पे भी रूल आउटसाइड वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे भी देखो, इधर से इधर जा रही है ना, तो यानी आर से एस पे जा रही है, तो कहाँ से कहाँ जाती है आउटसाइड में, नॉर्थ से साउथ पे। तो आर आपका नॉर्थ पोल होगा और एस आपका साउथ पोल होगा। तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे, तो इसमें ध्यान रखना ये एक्सटर्नली है, इंटरनली नहीं है। अगर इंटरनली होता तो साउथ से नॉर्थ होता, बट यहाँ पे तो आर नॉर्थ पोल होगा, एस क्या होगा, साउथ पोल होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, इसमें आपको डायरेक्शन बतानी थी इन डायग्राम के बेसिस पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे, पी से क्यू पे, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे, आर से एस पे, यानी कि नॉर्थ से साउथ, एंड इसमें भी नॉर्थ से साउथ। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ए फिगर में पी से क्यू पे डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, एंड बी पे आपकी आर से एस पे डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ। दोनों में ही आउटसाइड ही है, इनसाइड इसमें नहीं है। लग रहा है बच्चों को ऐसा कि ये इनसाइड है, बट ये इनसाइड नहीं है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, वो आपको फोर्स पूछा गया था एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, अगर वो परपेंडिकुलर रखा जाएगा करंट मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, और अगर वो उसके पैरेलल या सेम डायरेक्शन में रखा जाता है तो मिनिमम फोर्स लगाता है। तो यानी कि हमें लिखना ऐसे है कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। एंड जब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा जीरो होगा, तो नो फोर्स, जीरो फोर्स लगेगा, यानी उस टाइम पे मिनिमम फोर्स लगता है। तो ये ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है एंजियोस्पर्म का, और इसके बाद ये लोकेशन बतानी है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये तो बायो में से है, तो स्टैमेन एंड पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लावर में लोकेटेड होते हैं, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका डायग्राम ऐसे बनाना था आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, चॉइस में आपको अभी इसका दूसरा भी चॉइस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या था, प्यूबर्टी क्या है, और इसमें चेंजेस बताने थे बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो प्यूबर्टी की डेफिनेशन बतानी थी, पीरियड जिसमें एडोलेसेंट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको चेंजेस बताने थे गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको बोला था ब्रेड मोल्ड में रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजिया, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी। ये आपका सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था उसमें था ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज बोले थे, तो इसमें जो प्लांट होते हैं वो पेरेंट प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो फ्लावर एंड फ्रूट निकलते हैं इस मेथड से, वो जल्दी निकल जाते हैं। इसका एग्जांपल है बनाना, ऑरेंज, रोज, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से हम उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डायग्राम बना था, उसका लेबलिंग करना था। तो ये आपका जर्मिनेशन का डायग्राम है, तो ये ए जो है आपका प्लेम्यूल है, बी आपका कॉटिलीडेंस है, एंड सी आपका रेडिकल है। प्लेम्यूल को हम फ्यूचर शूट कहते हैं, रेडिकल को फ्यूचर रूट कहते हैं, एंड कॉटिलीडन का काम क्या है, स्टोर करता है फूड। तो इसका आपको सी बी का बताना था क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वूड को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, ये पीरियडिक टेबल में से है। तो यहाँ पे आपको पहचानना था, पीरियड भी गिवन है एंड ग्रुप भी गिवन है, आपको ए एंड एफ के बीच में फॉर्मूला बनाना था। तो आप देखिए, ए कौन से पीरियड में, 2 पीरियड में, और ग्रुप भी 2 है। तो यानी कि इसका मतलब पीरियड 2 का मतलब 2 शेल है, और ग्रुप 2 का मतलब लास्ट में 2 है। सेम ऐसे ही एफ के लिए देखिए, एफ आपका
ग्रुप पीरियड 3 में है और ग्रुप 17 में। पीरियड 3 का मतलब आपका 3 शेल्स होंगे और लास्ट में 17 है तो 7 होगा। तो यानी कि यहाँ से इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 और 7 की वैलेंसी कितनी आएगी 1। इसको क्रॉस कीजिए तो ये AF2 बन जाएगा। सेम ऐसे ही आपको ई एंड बी के लिए बनाना है। ई देखिए कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में। थर्ड पीरियड का मतलब 3 शेल होंगी और फर्स्ट ग्रुप का मतलब 1 होगा लास्ट में। उसके बाद बी के लिए देखिए, बी आपका 16th ग्रुप में और सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड का मतलब 2 शेल है और 16 का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्रॉस करके E2B। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नोबल गैस पूछा था, तो नोबल गैस ग्रुप 18 में होती है, सो सी नोबल गैस है। उसके बाद मेटलॉइड पूछा है, वो ग्रुप 14 में होता है, डी। तो इसका आंसर डी होगा। तो ये तो सबने ही सही किया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस किसके, एल्कोहल ग्रुप के। देखिए OH है तो एल्कोहल ग्रुप है, तो होमोलोगस का मतलब एक से दूसरा जो बनाएंगे उसमें एक सी बढ़ेगा और 2 H बढ़ेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, मान लीजिए इथेनॉल बना देते हैं, C2H5OH। एल्कोहल में सबको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है। अब नेक्स्ट बनाएंगे होमोलोगस, तो एक सी बढ़ाना है और 2 H बढ़ा देने हैं, तो यानी कि सेम ग्रुप बनाना है। तो CH2 डिफरेंस होना चाहिए, 40 यूनिट मॉलिकुलर मास होना चाहिए। जो ग्रुप यहाँ पे वही ग्रुप यहाँ भी होना चाहिए। तो ये अल्कोहल ग्रुप का हमें होमोलोगस बनाना था। उसके बाद आपको पूछा था, जैसे जैसे इसका मॉलिकुलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा, तो इंक्रीज हो जाता है मॉलिकुलर मास बढ़ने से, यानी इसका कम होगा इसका ज़्यादा हो जाएगा। सॉलिबिलिटी उल्टा होती है, सॉलिबिलिटी जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा कार्बन आएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब कम कार्बन होंगे यानी ऊपर वाला जो इथेनॉल है उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है और नीचे वाले की कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बायो में से है, आपको बोला है कि पॉन्ड और लेक तो क्लीन हो जाता नहीं करते हम, बट एक्वेरियम को करते रहते हैं क्लीन, क्योंकि पॉन्ड और लेक नेचुरल इकोसिस्टम है जबकि एक्वेरियम क्या होता है, मैनमेड इकोसिस्टम होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स अपने आप ही क्लीन करते हैं जबकि एक्वेरियम में डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं, इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो ये आपको लिख लेना है अपने आंसर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट है, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड, क्यों हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने पढ़ा होगा जो कि इसमें मिलते हैं एसी फ्रिज एसी रेफ्रिजरेटर फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इसका हार्मफुल इफेक्ट है स्किन कैंसर, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखना था, उसके बाद 9th क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर गिवन मटेरियल डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ये तो सबने याद किया होगा, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली होता है। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल था जिसमें आपको रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम और वायर का रेडियस गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसे मीटर में कन्वर्ट करना था अपॉन 100 करके। एंड रेजिस्टिविटी भी दी हुई है 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आपको लेंथ फाइंड करने को रेजिस्टेंस का ये वाला जो फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये आपको लगाना है। इसमें कैलकुलेशन जो भी वैल्यूज गिवन है, रेजिस्टेंस 10 है, रेजिस्टिविटी 15 × 10⁻⁸ है, लेंथ आपको पता नहीं है, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14, रेडियस आपको 0.01 दी है तो आपको मीटर में चेंज करने 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक रेडियस नहीं है, 2 रेडियस है, ठीक है। अब ये 100 100 तो ऊपर चले जाएंगे और इसका जो पॉइंट हटेगा उसका भी अपॉन 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 100 भी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो 10⁸ जो यहाँ माइनस में था वो यहाँ प्लस हो जाएगा और 50 डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10⁸ ऊपर भी आ जाएगी और यहाँ भी आ जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। देन आपको 3.414 को यहाँ लेके जाना ताकि लेंथ आ जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.628 मीटर, यानी कि 62.8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ निकल जाएगी। तो ये सब चेक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका आंसर ये आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही चॉइस का है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड एसआई यूनिट। ये तो सबने याद किया होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो टाइम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, जब हम इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं उसमें जो टाइम लगता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, ये और भी फॉर्मूले होते हैं पावर के, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, अगर कमर्शियल यूनिट बोलते तो किलो वॉट आवर,
ठीक है। उसके बाद आपको इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक केटल की पावर दी हुई है 2 kW, टाइम दिया 2 आवर, तो आप पावर इंटू टाइम लगाएंगे एनर्जी निकल जाती है, तो पावर 2 kW एंड ये आर है, तो आंसर 4 kW आएगा जो कि कमर्शियल यूनिट है। फिर आपको इसे जूल में कन्वर्ट भी करना था, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओवरऑल आंसर जो आएगा 14.4 × 10⁶। थोड़ा सा और साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो 1.44 × 10⁷ आपका जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्किट डायग्राम में देखिए, ये सीरीज में गिवन है एंड ये पैरेलल में, पहले सीरीज निकालेंगे इनका, इनको ऐड करके, तो सीरीज में हम इन दोनों को करेंगे तो इनका सीरीज प्लस करके आएगा 60, फिर इन दोनों को हम इसके साथ पैरेलल में ले लेंगे, यानी कि जो तीसरा वाला है इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो यानी कि जब मैं तीनों का इकट्ठा निकालूंगी तो इन दोनों का जो आया था उसको तीसरे के साथ सीरीज पैरेलल में ले लेना है, अपॉन में लेके जो फॉर्मूला लगता है पैरेलल का, 1/60 1/30, ये आ जाएगा 1/20, एंड इसको लास्ट में रेसिप्रोकल करते हैं 1/R को, तो ये आ जाएगा 20 ओम। एंड आपको ओवरऑल एम मीटर की रीडिंग बतानी है तो वी अपॉन आर, अब आर आप पूरा लोगे क्योंकि पूरे एम मीटर की रीडिंग बोली है, तो पूरा कितना आया 20, तो 6/20 यानी कि 3.3/10 जो कि आंसर आएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी एम मीटर की क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बायो में से मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आना था ग्रीन स्टेम टमाटो क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट है, सेकंड आपको रेशो पूछा था, रेशो F2 का, तो आपका इसका रेशो आएगा 3:1, और इसमें कंक्लूजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, जो ग्रीन स्टेम टमाटो है वो डोमिनेट कर रहे पर्पल स्टेम टमाटो को। उसके बाद ये आपको दिख रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHO ग्रुप से है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप से है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा था तो एल्डिहाइड है। अब यहाँ आपको देखिए कितना दिख रहा है, C3 है और H कितने आ रहे हैं 6 और O है साथ में, यहाँ पे आपको C2 दिख रहा है और H कितने हैं 4 और साथ में क्या है O, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जितना सी है एच हमेशा उसका डबल आ रहा है, तो जनरल फॉर्मूला जो इसका बनेगा CnH2n और साथ में क्या आएगा O। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें आपको जस्ट फंक्शनल ग्रुप पूछा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है और जनरल फॉर्मूला CnH2nO, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। बाकी ये पूछा था इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो दोनों डायग्राम बने हुए ये दोनों देखिए, ये C2 और ये C3 और सेम फॉर्मूला बन रहा है, बस एक C बड़ा है और दो H बड़े हैं, तो ये होमोलोगस है क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस आया है। अगर इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाते तो 4 वाला बना देते और यहाँ पे CHO दिखा देते और बाकियों को H से कंप्लीट कर देते। ठीक है, तो ये इसके तीनों के आंसर्स होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। इथाइन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी जितना होगा एच उसके डबल से 2 कम होगा, तो अगर इथ है तो सी दो होगा तो एच कितना आ जाएगा, डबल से 2 कम यानी एच 2 आ जाएगा। अब देखिए इस सी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस सी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस सी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए शेयर कर लेंगे, और इसी का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो एच के साथ कंबाइन हो जाएगा, ऐसे इसका भी 4th इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एच भी कंप्लीट और ये वाला सी को भी 8 मिल गए, इसको भी 8 मिल गए, शेयरिंग हो गई, तो इस तरीके से इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी तो सिंपली क्वेश्चन था, कोवेलेंट और आयनिक में आपको डिफरेंस बताना था इसके बी पार्ट में, तो कोवेलेंट शेयरिंग करके बनते हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग करके बनते हैं, ट्रांसफरिंग करके, और ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ये करते हैं क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ आयन है, यहाँ प्रेजेंस होते हैं आयन, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर होता है, यहाँ पे हायर होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये सॉल्युबल होते हैं, तो ये तो सबने याद किया होगा। इससे नेक्स्ट वाला भी इजी था, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बताना था, डॉबिनार का बताना था और लिमिटेशन बतानी थी दोनों की। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बताता है एवरी 8th एलिमेंट जो होगा प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट से, ठीक है। डॉबिनार का डायग्राम बताता है कि एटॉमिक मास मिडिल टर्म का ट्राइड के अंदर वो एवरेज मास होता है जो लेफ्ट एंड राइट में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 3 एलिमेंट ट्राइड में है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिथियम का 6.9 होता है एटॉमिक मास, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है, तो ये वाला मास किसके बराबर है, इसका और इसका एवरेज निकाल के, यानी इसको ऐड करो 2 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेटली 23 ही आ जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन अगर बात करें न्यूलैंड की, तो सबको ही पता है कि ये लॉ जो है एप्लीकेबल था कैल्शियम तक, आफ्टर कैल्शियम रिपीटेशन खत्म हो गई थी, ठीक है। तो डॉबरनायर की कमी है कि उसने सिर्फ 3 ही ट्राइड बनाए थे, ऐसे एक ये ऐसे 2 और बनाए थे, तो ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन उसका यूजफुल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में है, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसमें यहाँ आपने कॉइल रखा है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट दे दिया है, तो ये एक तरह से मोटर का ही प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉड रखती है कॉइल की बजाय हमने, और साथ में हमने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए एक मैग्नेट रखी है हॉर्स शॉय। तो आपको पूछा है इसमें क्वेश्चंस,
फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाई डज अ रॉड गेट डिस्प्लेस्ड पासिंग थ्रू करंट. तो आपने जो मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उनमें क्या आएगा, फोर्स लगेगा. तो फोर्स के कारण वो रॉड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी. तो इसमें वही चीज़ लिखनी थी. तो एक कॉइल कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, जिसके कारण वो डिस्प्लेस कर जाएगी. इसका बी पार्ट है कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी फोर्स की कंडक्टर ए बी में. तो रूल आपने पढ़ा होगा कि मोटर में कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता करने के लिए. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो है आपको दो डिवाइसेस जो इसमें अच्छा इसका जो सी पार्ट है उसका फर्स्ट जो है, इस अबव एक्सपेरिमेंट में हमने करंट पास किया रॉड से और फिर उस टाइम पे वो लेफ्ट में डिस्प्लेस की. अगर मैंने पोलैरिटी भी चेंज कर दी मैग्नेट की और करंट भी चेंज कर दी तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर दोनों चीज़ें एक साथ चेंज हो जाती है ना, पोलैरिटी भी और डायरेक्शन भी, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होता. लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहता है. तो क्योंकि हमने दोनों चीज़ें चेंज की है, ठीक है, बहुत मैग्नेट की पोलैरिटी भी और डायरेक्शन भी, तो इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी लेफ्ट ही रहेगी. उसके बाद दो डिवाइसेस जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर भी लगा हो मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मोटर होता है, साथ में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, या फैन, या जितने भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है, जिनमें मोटर लगी होती है. तो ये सारे अप्लायंसेस डिवाइसेस है जो इनमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है. उसके बाद इसका जो सी का चॉइस वाला क्वेश्चन है ये है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में दिखानी थी. तो आपने किया ही होगा, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर दिखाना है, कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली रखना है आपको. तो ऐसे वायर, अगर करंट वायर जा रही है स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे इसमें हॉरिजॉन्टल रखा है तो ऐसे जा रही है, तो जो लूप होंगे वो सर्कुलर ऐसे बनेंगे, इसके हॉरिजॉन्टली बनेंगे, ठीक है. अगर ये करंट ऊपर जा, वायर से करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कल में, और अगर नीचे जा रहा होता है तो ये ऐसे बनता है. तो ये तो सबने प्रैक्टिस करके गए होंगे इसकी, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है. इसका 15 क्वेश्चन बायो में से है, तो इसके भी मैं आंसर बता देती हूँ. मेंडल एक्सपेरिमेंट में से है ये. तो इसका फर्स्ट का आंसर है, आपको पूछा है कि सिर्फ एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का है F1 में, तो क्यों है ऐसा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण. सेकेंड इसमें रिसेसिव ट्रेट पूछी है, तो रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है. और टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन पूछा है F2 प्रोजेनी में रेशो के साथ, तो इसका रेशो आ रहा है 1:2:1, ठीक है. उसके बाद इसका जो सी का ही चॉइस वाला क्वेश्चन है, 1600 प्लांट्स है F2 प्रोजेनी में, तो इसका हमें नंबर ऑफ प्लांट निकालना है टॉल विद राउंड सीड. तो आपको पता है F2 प्रोजेनी में रेशो जो आएगा 9:3:3:1 आएगा, टोटल आएगा इसका 16. ये जो टॉल है वो 9/16 रेशो में है, और जो ये लास्ट वाला होता है शॉर्ट के लिए होता है वो 1/16 रेशो में है, क्योंकि 9 है ना टॉल के लिए, तो 9/16 हो जाएगा. और टोटल कितने हैं 1600, तो आंसर आएगा 900. एंड सेकंड पार्ट का आपको शॉर्ट विद रिंकल सीड बोला है, तो उसका 1/16 × 1600, तो आंसर आएगा 100, ठीक है. तो ये सबका 15 क्वेश्चन भी हो गया होगा, तो चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने आंसर सही है, किसका कितना आंसर आया है, ठीक है. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. Thank you.